नीलू यार मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहीं अंकल जी की आकाश फिर से चली गई तो मैं ना तुझे ना छत से उल्टा टांग दूंगी। कैसी बातें कर रही है यार, मनुष्य वाली बातें मत कर। बेचारे पापा इतनी मुश्किल से तो ठीक हुए हैं। नीलू अंकल जी की मुश्किल से ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी कम से कम इस समय तो अपनी उंगलियों को और अपने फोन को आराम दीजिए। जीजा जी आप तो बहुत खुश होंगे। नहीं हम क्यों खुश होंगे इलायची जी, अब इसमें हमारी क्या गलती है अगर सेठ जी फिसल गए तो? इलायची जी आपको क्या लग रहा कि सेठ जी के सीढ़ियों से गिरते ही हमने भगवान को धन्यवाद बोला, हमें खुशी हो रही क्या? ऐसी बात ना है, हमको भी दुख हो रहा है। अभी वो लोमर तू चुप बैठा, तेरे मुंह में घूंस जम गया, तू बोलेगा ना कुछ? हाँ इलायची जी पिंटू एकदम सही कह रहा है। ए चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं हो तो ये टीवी ना सर पे फेंक के मारूंगी तुम दोनों के। ना उठेगी। क्या बोला? डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? हेलो सुमन। हाँ। अरे यार जी शॉपिंग के लिए जाना है? अरे कल ही तो शॉपिंग के लिए गए थे और फिर से जाना है? अच्छा तो नहीं आऊंगा तो छोड़ के चली जाओगे? क्या ये बच्चों ऐसी बातें करती हो, जरा जरा सी बात में तुम। अरे मैं किसी ममता के साथ नहीं हूँ, यहाँ कोई ममता नहीं है यार सुमन। अच्छा अच्छा रुको तुम रुको। आंटी हेलो, आपका नाम क्या है? आंटी पिंटू नाम है। बड़ा मर्दाना नाम है। हेलो हाँ सुमन, अभी हम लोग पिंटू के साथ में हैं। हाँ अरे नहीं नहीं वो कोई मर्द नहीं है, वो इस परिवार की आंटी है। अरे क्या कर रहा है यार, लपेट रहा है वो अपनी बीवी को। हाँ हाँ क्या मेरा चक्कर चल रहा है उस आंटी के साथ में? क्या सुमन तुम भी पागल हो क्या? हेलो 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 सुमन हेलो। इलायची सेठ जी ठीक हो गए? अरे नहीं, आप सबको मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सेठ जी की याददाश्त फिर से चली गई। क्या तमाशा लगा रखा है मतलब? डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा ना उनकी याददाश्त ठीक से वापस लाने का। लाइची गलत बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी सेठ जी से बात हुई थी हैं? तब तो सेठ जी बिल्कुल भले चंगे थे, अब थोड़ी देर में उनकी याददाश्त भी चलेगी। चल क्या रहा है यहाँ पे ये? अरे भाई साहब इसमें सेठ जी की क्या गलती है, वो कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी ना जो सीढ़ियों पे ऐसे गुलाटियां मारेंगे। अब सेठ जी गिर गए बेचारे, क्या कर सकते हैं वो? तो मैं क्या करूं भैया, वो मकान मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा, मैंने पैसे सेठ जी के पास रखे हुए हैं। लूटे यार शर्म कर, पापा की तबीयत इतना खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। डॉक्टर साहब मैं पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल चलिए ना। चलो चलो देखते हैं चलो। अरे कहाँ हूँ मैं? अरे और इस गेंडी को मेरे पास में तो बैठा दिया है। हाय राम गेंडी, मैंने तो भागे फूट गया। देखिए बहन जी आप वहां जाके बैठिए, किसी पराये मर्द के साथ आप बैठेंगी तो लोग क्या सोचेंगे। आंटी जी आप इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। पापा मुझे देखिए, इधर तो देखिए, मैं आपकी बेटी इलायची, वही बेटी जो आपके गले से कभी कोई पैसे चुराती है, आपकी नाक में दम करके रखा, लेकिन वो आपके जिगर की टुकड़ी। ओ प्लीज ले लो अंकल जी की नाक में दम करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो।
अरे बेटी का मूली के खेत से होके आ गई, मेरी शादी ना हुई है तो बेटी कहाँ से आ जाएगी? अंकल जी आपको मैं याद हूँ, मैं इलू की बेस्ट फ्रेंड, मैं और इलू बचपन से साथ में पढ़ते हैं, हम 11वीं में 4 बार फेल भी होते, याद है आपको? बता तो ऐसे रही है जैसे जैसे मैं तुम दोनों को अभी अवार्ड दे दूं। हेलो, हाँ सुमन, क्या फ्रिज बेच रही हो कबाड़ में? अरे 6 महीने पहले ही तो लिया था, तो अब नया फ्रिज चाहिए, और नहीं लिया तो मैं क्या चली जाओगी? अरे सुमन क्या बोलती हो, पागल हो क्या तुम? हेलो सुमन, हेलो सेठ जी, मैं लोटे आपकी मालिश करता हूँ। है मैं कोई नवजात शिशु हूँ जो मेरी मालिश करेगा तू? सेठ जी याद करो, मैंने अपनी दुकान के पैसे आपको दिए थे संभाल के रखने के लिए। सेठ जी वापस दे दो, वरना मेरी दुकान है ना, मेरे हाथ से निकल जाएगी। अबे ओ लोटे, यहाँ पे पापा मम्मी मतलब अपनी बीवी और अपनी बेटी तक को नहीं पहचाने, तेरे पैसे कहाँ रखे, ये क्या खाक पता होगा इन्हें? अरे नहीं नहीं इलायची जी, आप गलत समझ रही हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेठ जी इतने बड़े वाले कंजूस हैं कि पैसे कभी नहीं भूल सकते। क्यों लोटे भाई? डॉक्टर साहब, मेरे पापा को कुछ याद, ओ डॉक्टर। हाँ तो यार, यहाँ पे मेरे पापा की याददाश्त ठीक करने आए हैं या फिर मोबाइल में ऐसे टप 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 करके गेम खेलने हैं? अरे पेशेंट की याददाश्त गई है तो आप मुझ पे क्यों भड़क रही हैं? हो सकता है कि कभी इनकी याददाश्त आ जाए, अभी मुझे गेम पे कंसंट्रेट करने दीजिए ना। सर इधर है, इधर है, आइए सर, ये रहे सेठ जी, मतलब क्या बताएं, पिंकी जी मतलब भगवान जी को ना पिंकी जी पे तरस आ गया होगा, जो आपकी याददाश्त लौटाती पिंकी जी बोल रहे हैं। अब ये मत कह दियो कि जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ तो ये जो है मेरे दरवाजे के बाहर छोड़ गई थी, और तू मेरी जो है नाजायज औलाद है। एक मिनट, एक अपना वो क्या नाम है इलायची, ये तुम्हारे पापा ऐसा क्यों बोल रही है? सेठ जी की याददाश्त ना वापस चली गई। क्या क्या वापस चली गई? बढ़िया है। सेठ जी ये एकदम गलत बात है, आप तो वो पुराना प्रेशर कुकर बन गए हो जिसकी सीटी कब बजेगी कोई नहीं कह सकता। हो गई? अरे नौटंकी खत्म हो गई तो चले। सर एक मिनट, सर आप बताइए इसमें पिंकी जी की क्या गलती हो रखी है, अगर सेठ जी का जो याददाश्त का स्विच है वो ढीला हो गया, मतलब अपने आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रही है। देखिए क्या है ना, पिंकी जी एकदम बेकसूर हो रखे, आप पिंकी जी को एक मौका प्लीज एक मौका दीजिए ना सर। ठीक है, वाली सबको एक मौका देता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। तुम्हें भी दिया एक मौका, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी देखो कैसे पिंकी जी सब मतलब अपना है, वो नहीं नहीं तो नहीं। डॉक्टर साहब ये सेठ जी को कब तक याद आ जाएगा, मतलब याद? अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रही हो यार, आप इधर पेशेंट पे ध्यान दो, आप मोबाइल में गेम खेली जा रही हो, ये कब याद आ जाएगी वापस? अरे आप लोग मिस मासूम को गेम भी नहीं खेलने दोगे? देखिए इनके जो याददाश्त है ना वो किसी मायके गई हुई कोई दुल्हन नहीं है कि मैं बताऊंगा कि वो कब लौट आएगी। देखिए हो सकता है कि एक दिन में इनकी याददाश्त आ जाए, तो प्लीज मुझे गेम खेलने दीजिए। अरे ऐसे खुले रहने की आप चिंता कहाँ है, सेठ जी की याददाश्त तो चली गई, क्यों चिंता कर रहे भाई? अरे बड़े दयालु हैं ईश्वर अपने प्रभु, मतलब भगवान से ना थोड़ी सी कृपा करने का उनने पूरा वरदान तो दे दिया। मतलब यार ये तो वही बात हो गई
कि मांगी बूंदी अब पूरा लड्डू थमा दिया है यार। हमको तो यकीन ना हो रहा, अपनी किस्मत यकीन ना हो रहा भाई है। इतनी अच्छी किस्मत अपनी कैसे हो सकती है। हाँ यार, पर साले हम तो बच गए, सेठ जी फंस गए यार। उनकी हालत देख के बुरा लग रहा है भाई। ओ भाई साले, जब अपने पिछवाड़े पर आग लगी हो ना तो दूसरे घर में आग बुझाने ना जाते है? देख वो सब छोड़ यार, हम बच गए ये बहुत। साले इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है तू? अरे यार इसमें यार सेठ जी से मेरी कोई खानदानी दुश्मनी है क्या जो मैं उनकी इस हालत में मजे लूंगा? हाँ यार तू कह तो सही रहा है, पर पता नहीं यार, हो सकता है कि सेठ जी की याददाश्त चली गई है, जब वो उन्हें उनकी ये याददाश्त वापस आए तो वो जो सारा हमारा राज है वो भूल जाए। बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। लेकिन इलायची जी, आप, आपका भाई? तभी जब आप मेरे पापा की याददाश्त जाने की ना दुआ मांग रहे थे। नहीं लाइसी जी, आप गलत समझ रही हैं। शायद आपने हमारी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। अरे क्या सुनूं मैं? हाँ ये क्या आप दुआएं मांग रहे हैं कि उनकी याददाश्त वापस ना आए? शर्म आनी चाहिए आपको जीजा जी। अरे यार कैसे लोग हैं ना ये, मतलब मेरे पापा की याददाश्त चली जाए, बहुत अच्छा आइडिया है, ताकि आपके पोल ना खुले, है ना, इसलिए। लेकिन एक बार भी इन दोनों में किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरे पापा ने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। अरे घर दिया, नौकरी दी, इज्जत दी, परिवार का हिस्सा समझते लोग को सुनू, लेकिन ये देखो क्या, उसके नाते एक बार भी नहीं सोचा ना कि दुआ करें कि मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए, नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। नहीं अरे नाना इलायची जी, ऐसी बात ना, आप गलत समझ रही हो। देखो हम लोग खुद दुआ कर रहे हैं सेठ जी के लिए, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अब सेठ जी कब तक ठीक होंगे ये तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या प्रार्थनाएं हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मैं भी अपने पापा की बेटी हूँ और उनसे बढ़कर मिलने कुछ भी नहीं, और आप भी नहीं जीजा जी, और ना ही आपका प्यार। इलायची जी आप हमारी बात एक बार ही सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते, वो तब तक लाइफ में टंटे हो रखे हैं। तो देख लूंगी मेरी बात पर तुझे। अरे सुनीता जी, अरे यार सुनीता जी क्यों उठ गई? जाओ मखमल सी बना दे आगे तू तो जेले पे। अबे लूटे तुम सीट आओ, मकान मालिक किराया लेने के लिए आ गया, मुरारी सेठ ने फंसवा दिया बुरा। राम राम सेठ जी। राम राम जी। लोटो कहाँ गया लोटे? मुझे भी ना पता, जब से देखो ना। तो है कुछ पता होगा क्या? कछु नहीं पता तो है। लोटे के बच्चे, आजा, 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 आ, जा, जा तू। वाह, कितना सुंदर हो रखा तू है। तू जो जाए, जहां छुपा हुआ था? छुपा नहीं था सेठ जी, मैं तो कुर्सी के पुर्जे कस लिया था, ढीले हो रखे ना। हाँ अब जो तेरी जो बॉडी के पुर्जे है ना जो ढीले हो रखे, सारे के सारे कस दूंगा मैं। देख इधर उधर की बात ना करे, हमारा किराया निकाल चल। सेठ जी मैं बताऊंगा ना तो तुम यकीन नहीं करोगे। तो फिर ऐसी बात करना जिस पे हमारे को यकीन हो, हैं? कहानी ना सुनने आया तेरी मैं। सेठ जी वो मैं पैसे ना मैंने मुरारी सेठ को संभाल के रखने के लिए दे दिए थे, अब दुकान पे रखता तो चोरी हो सकते थे ना। हाँ अब तू ये बात जो है ना दूसरी कहानी सुना रही है, अब तू ये कहेगा जो मुरारी सेठ को जो पैसे दिए हैं वो हड़प गए। ना ना सेठ जी, वो मुरारी सेठ जी की ना याददाश्त चली गई तो उन्हें याद ना आ रही है कि उन्होंने पैसे कहाँ रख दिए। जैसी उनकी याददाश्त लौट के आएगी मैं पैसे लौटा दूंगा। इतनी सी बात है? अरे ये बात तू हमें पहले बता देता। देख 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 तेरे को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को जल्दी है ही नहीं, पैसे जब मर्जी दे दियो तू। सीधी सच्ची बोल रही हो? अरे बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूं मैं, लेकिन ना मेरी एक बात को जरा ना ध्यान से कान खोल के सुन लियो, आज के बाद जो है ना हमारी दुकान पे कदम तू तभी रखेगा जब तुम्हारा किराया दे देगा, समझ गया? सेठ जी कैसी बातें कर रही हो?
सिटी में बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैं कौन सा आबाद हो रहा हूँ, ये तेरी बातें सुन सुन के मैं तो बर्बाद ही हो रहा हूँ। देखिए जो हमारी दुकान है ना, इसको जो किराए पे लेने के लिए जे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। अब तू निकल ले यहाँ से, चल निकल। अरे अरे मेरा कमरा ही है, यहाँ अरे बाहर जाओ, यहाँ कहाँ को चली आ रही है आप, चलिए जाइए बाहर जाइए आप। अरे मैं क्यों बाहर जाऊँ, इलायची के पापा है, मेरा भी कमरा है, मैं नहीं जाऊंगी। सब समझ रहा हूँ मैं सब समझ रहा हूँ। जैसे ये खूबसूरत नौजवान लौंडा देखा, बस तुम जैसी औरतों की लार जो है मुंह में एकदम भर जाती है। अरे मैं तुम्हारे हुस्न के जादू के जाल में ना फंसने वाला, जाओ जाओ मेरा दम घुट रहा है, यहाँ से जाओ। मैं भी सब समझ रही हूँ इलायची के पापा, कि तुम्हें कैसे मनाना है। भूल गए जब मैं मोरनी वाला डांस करती थी तो तुम्हारी आंखें हटती नहीं थी मुझ पे से। हाँ देखो आज मैं तुम्हें फिर से मोरनी वाला डांस सिखाती हूँ। इलायची के पापा कुछ याद आया? अरे धोखा है, कहा था कि मोरनी नाचेगी, यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे शेरनी शिकार करने के बाद जश्न मना रही है। मैं तो भाग ही फूट गए। मम्मी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? देख नहीं रही जी, तेरे पापा तो जैसे नीम का अर्क लगा के बैठे हुए। ये कौन है, आपके वकील है? अरे 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 क्या, अरे भाग जा। अरे पापा प्लीज अपने जादू वाले हाथों से क्या मेरा सर सहलाएंगे आप, एकदम बचपन में जैसे, प्लीज। लाइची बेटा, अरे तू अभी तक सोई ना, अपने कमरे में जाके सो जा। अरे सुबह तेरा स्कूल है। अप्पू, आपको याद है? मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे मले बताओ कौन है। अरे कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रही है, अपनी माँ को भूल गई तू? तुम दोनों माँ बेटी का प्यार भी ना अलग ही नुस्खे पे चलते हो। सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और तुम दोनों बाप बेटी का प्यार एक तरफ। एक मिनट, ये दोनों कहाँ हैं? आठ, अरे कौन? अरे क्या हुआ? अरे कुछ ना, इलायची पापा सुनो, सुनो तो, अरे रुको तो सही, पापा इलायची के पापा, पापा। अबे पंचम, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भाई चकोटी काट, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सपना देख रहा हूँ, सेठ जी की आवाज सी लगी। अरे मैंने चकोटी काटने का तू रेपटा क्यों बेल दिया? सारे धान बोतेंगे भैया। रुक जा, धीरे बोल साले, तुझे होश में लाने के लिए किया था, ये सपना नहीं है, बुरी वाली हकीकत हो रही है यहाँ पर हमारे सामने अभी। सेठ जी की याददाश्त वापस आ गई क्या? अबे वही तो। अरे भाई साहब मान बांध, निकल जल्दी तुम दबा के यहाँ से, ना तो चेड़ी दांत जल्दी कर सामान निकल। अरे चप्पल कहाँ गई मेरी? अबे रुक ना, चप्पल के पीछे पड़ा हुआ, जल्दी जल्दी निकाले सब सामान। ढोल ढोलक ढोल ढोल यार, ये ले तेरी चप्पल। ढोलक कहाँ टांग दी? सामान डाल भाई, अबे यार एक तो ये सेठ जी का बना मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी, मतलब यार इन्होंने ना मतलब कभी डर के मारे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कभी खुशी के मारे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, यार ये मार देंगे, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी मुझे। अरे यार मुझे खुद समझ ना आ रहा क्या ड्रामा फैला रखा है, अरे थोड़े दिन याददाश्त की भूल भुलैया हम खोए रहे हैं तो क्या दिक्कत है, उन्हीं का फायदा है, इतने बड़े बेड पे अकेले पसरे हैं। अबे तू सामान बांधता है यार? हाँ, सामान
ओ भाई हाँ सुन हाँ इस बिक्का क्या करें लगा ले या यहीं छोड़ दें